हे गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। गुड मॉर्निंग, हेलो रंजीत, हेलो साक्षी, हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वॉइस ऑडिबल, वीडियो प्रॉपरली विजिबल? चलिए तो फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ न्यूज़ बहुत आसान होती है, वो आपको याद रहती हैं, कुछ न्यूज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और उसको याद करना थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो हम इस सेशन को कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते हुए चलूँगी जो आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज है 23 जुलाई और हम स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो सब रेडी हैं, स्टार्ट करें सेशन को। सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है और वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो तो देखते हैं अपना आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द ATN ग्लिचिज अवार्ड इन May 2021? तो अभी ATN ग्लिचिज पुरस्कार दिया गया था, उसको इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, सिंपल सवाल है और आंसर आप इजीली कर सकते हैं इसका। क्या है इसका करेक्ट आंसर गाइस? ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है हॉकी इंडिया। यस, हॉकी इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हु हैज वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया? प्रदीप बताती हूँ, मैं इसकी पिटाई करती हूँ। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। ठीक है, अब देखिए, यहां तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। क्या स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स विमेन नियोमी ओसाका, लॉरेंस वर्ल्ड टीम बायर्न म्यूनिख, इसके अलावा ब्रेक थ्रू पैट्रिक महमोस, ये पूरी लिस्ट आपको रिवाइज करनी है गाइस, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, इसलिए मैं पूरी लिस्ट को यहां आपको नहीं बता रही हूं, ये आप रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, हेलो दीवान साहब, क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ये पूरी लिस्ट आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सवाल कहीं से भी आता है क्योंकि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। नेम द फॉर्मर पेसर हु हैज बीन रिसेंटली इंडक्टेड इन टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। देखिए, मैं ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम नहीं बोल रही, मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम बोल रही हूँ। उसमें एक तेज गेंदबाज का नाम ऐड हुआ है, उनका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। यस, उनका नाम है मर्व ह्यूज। एब्सोल्युटली, मर्व ह्यूज इज द करेक्ट आंसर। इनको अभी रिसेंटली इस साल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। ठीक है, बढ़िया, शानदार। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, आसान सवाल है। हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, चलो बढ़िया। तो भैया 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, विराट कोहली, इंडियन टीम कैप्टन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। यस, चलो जैस्मिन हैरिसन, गाइस ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैस्मिन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो अटलांटिक ओशन फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू? अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ये किस देश से आती हैं, इनकी एज क्या है और इन्होंने कितने टाइम में क्रॉस किया? तीन सवाल यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, जैस्मिन हैरिसन जो है ना, ये UK यानी ब्रिटेन से आती हैं। ठीक है, ये कितने साल की है? 21 ईयर्स की। ठीक है, ये 21 साल की हैं और इन्होंने 70 डेज 3 आवर्स और 48 मिनट्स में अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर को क्रॉस किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रख लीजिएगा गाइज, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो अच्छा, हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 लिस्ट?
ठीक है, फोर्ब्स की दुनिया की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट लिस्ट में इस बार किसने टॉप किया था? ये एक नया नाम था और ये नाम आपको याद रखना है। ये कौन से स्पोर्ट्स, कौन से गेम से आते हैं? बढ़िया, शानदार। इनकी कंट्री कोई मुझे बता सकता है क्या? इनकी कंट्री और इनका स्पोर्ट्स, ठीक है, कॉनोर मैग्रॉग, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ये एमएमए प्लेयर हैं, कंट्री आप पता करेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये यूएस से आते हैं, कहां से आते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल तब तक देखते हैं और आप लोग आंसर करिए और मैं आपको एंड में आंसर इसका बता दूंगी कि किस कंट्री से आते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। रिसेंटली साबा सकर हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ विच कंट्री? साबा सकर किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है, ठीक है। अच्छा, ये बनी है इजिप्ट की। कहां की बनी है? इजिप्ट की। इजिप्ट की ये पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है, जो आपको याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने पिछले सवाल में आपसे एक बेसिकली एक पॉइंट पूछा था कि कॉनोर मैग्रॉग किस देश से आते हैं। ये आयरलैंड से आते हैं गाइज, गलती नहीं करिएगा, ये यूएस से नहीं आते, ये आयरिश प्लेयर हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। एमएमए का फुल फॉर्म मिक्स मार्शल आर्ट होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। Who among the following has won gold in 53 kg freestyle at outstanding Ukrainian wrestler and coaches memorial tournament at Kyiv, Ukraine? कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए कीव यूक्रेन में एक टूर्नामेंट हुआ, वहां 53 केजी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? गाइस जब भी रेसलिंग में आपको 53 केजी कैटेगरी दिखेगी ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी जो 53 केजी कैटेगरी में खेलती हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनेश फोगाट। ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट जो है ना, ये 53 केजी कैटेगरी में खेलती हैं, तो अक्सर आपको यहां से इसका आंसर मिल सकता है। आज क्वेश्चंस कितने हैं? देखिए क्वेश्चंस तो हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी खबरें होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हीरो इंडियन विमेंस लीग 2021 एडिशन विल बी होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हीरो इंडियन विमेन लीग 2021 संस्करण को निम्नलिखित में से किस राज्य में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि हीरो इंडिया विमेंस लीग। अब देखिए गाइस, जैसे ही आपको हॉकी दिखे ना, आपको एक स्टेट स्ट्राइक करना चाहिए। वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको सबसे ज़्यादा हॉकी टूर्नामेंट देखने के लिए मिलेंगे और ये भी उड़ीसा राज्य में ही होना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, Who among the following has won the men's single title at 2021 Uganda International Badminton Tournament in Kampala? तो सबसे पहले युगांडा की कैपिटल कंपाला में एक टूर्नामेंट हुआ बैडमिंटन का, उसमें मेन सिंगल में किसने कौन जीता और विमेन सिंगल में कौन जीता, ठीक है। अभी इसका आप लोग के जो भी डाउट है उनका मैं आंसर आप लोग को कर दूंगी। यहां करेक्ट आंसर क्या है? वरुण कपूर। और विमेन कैटेगरी में अगर मैं पूछूं तो मालविका बंसोद, ठीक है। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, वरुण कपूर और मालविका बंसोद जो हैं, इन्होंने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि कंपाला में हुआ उसको जीता है, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन। विच स्टेट और यूटी टॉप्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया शीतकालीन के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा? पहले संस्करण में भी यही टॉप पर था, ये टूर्नामेंट गुलमर्ग में हुआ है, ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये राज्य कोई और नहीं, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ने पहला एडिशन भी जीता था, इन्होंने दूसरा एडिशन भी जीता है, दोनों बार टूर्नामेंट गुलमर्ग लद्दाख वाले एरिया में हुआ है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, Who has won a silver medal at 72nd Stranza Memorial Boxing Tournament in Sofia, Bulgaria? Guys, एक बात और समझिएगा कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं ना, ये कहाँ हो रहे हैं, एक बार दिमाग में ये भी रखिएगा।
तो स्ट्रैंजा मेमोरियल मुक्केबाजी या बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये सोफिया बुल्गेरिया में हुआ, बुल्गेरिया की राजधानी सोफिया में हुआ, और यहाँ सिल्वर मेडलिस्ट कौन थे, ठीक है, यहाँ सिल्वर मेडलिस्ट थे दीपक कुमार, और आपको ये याद रख लेना है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द ISL लीग फुटबॉल विनर शील्ड। देखिए ISL के जो दोनों टूर्नामेंट है ना वो इस साल सेम टीम ने जीता है, तो अगर ISL के कोई भी टूर्नामेंट पूछे जाएं तो आपको आंसर एक ही करना है, विनर कौन है ISL का। इसको याद करने से बेनिफिट क्या है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं हमारा मेन फोकस यही है कि एग्जाम में हमें अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, इस बार का ISL का जो दोनों टूर्नामेंट है गाइज ना वो मुंबई सिटी FC ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई सिटी FC ने। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सिटी FC इस बार के दोनों टूर्नामेंट की विनर है, याद कर लीजिए ISL, ठीक है। अच्छा, विच सिटी विल होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इस शहर को बहुत सारे टूर्नामेंट्स होस्ट करने के लिए मिले हैं और आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, कौन सी है ये जगह, ठीक है। तो ध्यान रखिए काफी सारे टूर्नामेंट जो हैं वो हरियाणा के पंचकुला में होने वाले हैं, उन्हीं में से एक कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पंचकुला। आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यही होने वाला है, इसके अलावा सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो भी यही हुई थी। ओके चलिए बढ़िया, ठीक है, अगला सवाल देखिए, Who among the following has won his third Allen Border medal? अपना तीसरा Allen Border पदक इस बार किसने जीता है ये आपको मुझे बताना है। Allen Border medal जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो मेंस प्लेयर है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो आप सबको पता है विमेन कैटेगरी का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, उस अवार्ड को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड एलन बॉर्डर मेडल मिला है स्टीव स्मिथ को, ठीक है, किसको, स्टीव स्मिथ को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विमेन में तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड बोला जाता है और ये मिला है बेथ मूनी को, ये बेथ मूनी का पहला बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है। क्या अब याद रहेगा, एलन बॉर्डर, स्टीव स्मिथ और बेलिंडा क्लार्क, बेथ मूनी, ठीक है, बढ़िया। Who has won the gold medal in first ever Asian online shooting championship? पहली बार हुए एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपको पता है इंडिया शूटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और आपको मुझे बताना है कि किसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और ये गोल्ड मेडल जीता था सौरभ चौधरी ने, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 55 kg कैटेगरी इन नेशनल विमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप। 55 kg कैटेगरी में नेशनल विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप यानी राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं, ओके, एक आंसर करेक्ट मुझे दिखा है, यहां करेक्ट आंसर है गाइस अंजू पंघल, ठीक है, अंजू पंघल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 55 kg में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंजू पंघल, गलती नहीं करिएगा, 55 kg कैटेगरी में अंजू पंघल ने जीता था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सोनम मलिक का आप देखकर आएगा, इन्होंने साक्षी मलिक को किस कैटेगरी में हराया था, ठीक है, साक्षी मलिक 55 kg कैटेगरी के ऊपर खेलती हैं। Who has become the first Indian peddler to qualify for a Tokyo Olympic? Tokyo Olympic के लिए qualify करने वाले पहले भारतीय peddler कौन बने थे? देखिए ये overall पहले नहीं बने थे, ये इस Tokyo Olympic में पहले बने थे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं चार प्लेयर जा रहे हैं बेसिकली Tokyo Olympic में जो हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एस
ठीक है, सत्यन, अर्चना, मनिका बत्रा और शरद कमल, और शरद कमल जो थे वो पहले थे, ठीक है, याद रहेगा। ये चार प्लेयर हैं, मैंने आपको ओलंपिक की लिस्ट दी हुई है, मैं वापस से इस लिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन सिंगल इन यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन का ये सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है, इस बार का इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल किसने जीता था, महिला एकल किसने जीता था, और ये किस देश से आते हैं, ध्यान से आप देखिए यहां आंसर, क्योंकि यहां दो नाम है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है विक्टर, ठीक है, ये जीता था ली जिया जिया ने, किसने जीता था, ली जी जिया ने, ये मलेशियन प्लेयर हैं और इस बार का मेन सिंगल इन्होंने ही जीता था, याद रहेगा। वहीं अगर हम बात करें विमेन कैटेगरी में तो नियोमी ओखारा जो जापान से आती हैं उन्होंने जीता था। ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग में इसको बैठा लीजिए, यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है, यस। चलिए अब देखिए टोटल जो प्लेयर्स हैं वो कम ज्यादा हो रहे हैं, अभी जो टोटल ओलंपिक में इंडिया के रिप्रेजेंटेशन है वो है 119, ओके, यस। विक्टर थाईलैंड, विक्टर, हाँ बिल्कुल, चलिए अभी उस पर भी हम आएंगे। नेम द एथलीट हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 3000 मीटर स्टेपल चेस इन फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप। तो अभी जो फेड कप हुआ ना, सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कहाँ हुआ, वहाँ स्टेपल चेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया इनमें से किस प्लेयर के द्वारा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्लेयर का नाम दे देंगे और आपसे उनका स्पोर्ट्स पूछ लिया जाएगा, ये ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको इनका नाम याद रखना है। एंड द करेक्ट आंसर इज अविनाश सबले, अविनाश सबले याद रख लीजिए, ये महाराष्ट्र से आते हैं, ये स्टेपल चेस के प्लेयर हैं, इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? विनर डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी। फेड कप कहां हुआ था गाइस इस बार का, मुझे जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, ठीक है, जरा फटाफट बताइए मुझे किसने जीता था, ओके। यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है सिंहराज, ठीक है, किसने जीता था, सिंहराज, नाम याद कर लीजिए, हमने इसको कई बार पढ़ा हुआ है, आपको याद रखना है। फेड कप कहां हुआ था, ये मेरा आपसे सवाल है, फेड कप को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप फेड कप को देख कर आएंगे इस बार कहां हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द 2021 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20, सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला T20 की विजेता टीम कौन सी थी गाइस, सिंपल सवाल है, ठीक है, देख क्या ये कटक है क्या, ओके, इसे जीता था इंडिया लेजेंड्स ने, एब्सोल्युटली, इंडिया लेजेंड्स के कैप्टन कौन थे, तेंदुलकर साहब, यस। चलिए नहीं, मैं आपको बता दूंगी, मैं फेड कप आपको बता दूंगी, डोंट वरी, अभी परेशान मत होइए। अच्छा, हु हैज वॉन फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल ऑफ ISSF वर्ल्ड कप। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इनमें से किसने ISSF वर्ल्ड कप में जीता था गाइस, ठीक है, किसने जीता था, मनु भाकर, हिना सिंह, देखिए ये सारे प्लेयर जो हैं इनमें से मोस्टली प्लेयर जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिना सिंधु को छोड़कर, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज यशस्विनी देसवाल, यशस्विनी देसवाल जो थी ये पहली थी गोल्ड मेडल इस बार के ISSF वर्ल्ड कप में जीतने वाली, याद रहेगा, ये सारे बहुत ही यंग बच्चे हैं मोस्टली और ये बहुत बेहतरीन कर रहे हैं शूटिंग में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने, देखिए एक बात समझिए, ये जो ISSF वर्ल्ड कप होता है ना, ये कई सारे
फेज में होता है और इंडिया ओवरऑल टॉप पर है 16 गोल्ड मेडल 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ। दीपिका कुमारी आर्चरी प्लेयर है, यस ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले अगर क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाना हुआ तो। अभी हम आएंगे दीपिका कुमारी पर भी, डोंट वरी। गर्ल गैंग हैज बीन अनाउंस एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2022। आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री। ठीक है, सिंपल सवाल है। अच्छा, गर्ल गैंग की सिंगर कौन है गाइस? ठीक है, तो सबसे पहले गर्ल गैंग जो है आप, ये ऑफिशियल सॉन्ग है इस बार के वीमेन वर्ल्ड कप का, ये होने वाला है न्यूजीलैंड में। ठीक है, और इसकी सिंगर कौन है गाइस? इसकी सिंगर है गिन विगमोर। गिन विगमोर इसकी सिंगर है, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, यस। अच्छा, द रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन विच सिटी। आवासीय हॉकी केंद्र की स्थापना इनमें से किस शहर में की जाएगी? तमिल प्लीज, सॉरी बट आई डोंट नो तमिल, रियली सॉरी। ओके, एंड करेक्ट आंसर इज, अब देखिए यहां हॉकी देखकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, देखिए ये सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको बताया था आईएसएसएफ का जो वर्ल्ड कप है ना, वो कई सारे फेज में होता है। उसका एक फेज दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में किसने टॉप किया था, क्योंकि दिल्ली में हुआ, हमारे देश में हुआ, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ किसने टॉप किया था। यानी जो बेसिकली इंडियन टीम थी उसकी रैंक क्या थी दिल्ली आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो था ना वो यहां फर्स्ट पर था। ओके, चलिए। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अवार्ड सेक्शन में आपके लिए। हु हैज बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2021 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एलमैक। यानी कि विजडन क्रिकेटर्स एलमैनेक के 2021 संस्करण में कौन लगातार दूसरी बार दुनिया का सबसे लीडिंग क्रिकेटर बना है? ठीक है, और ये बने हैं बेन स्टोक। ठीक है, इंग्लैंड से ये आते हैं, ऑलराउंडर हैं, आप सबको इनके बारे में पता होगा। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस कैटेगरी में बेन स्टोक, विमेन कैटेगरी में बेथ मूनी, ओडीआई प्लेयर ऑफ 2010 विराट कोहली, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 1990s सचिन तेंदुलकर और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 1980s कपिल देव। आपको पता होगा इस बार 50th एनिवर्सरी थी किसकी, फर्स्ट ओडीआई इंटरनेशनल को लेकर, तो ये अवार्ड दिए गए थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वापस से आपको पूरा पॉइंट रिवाइज नहीं करा रही हूँ, बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। विना, एक्चुअली देयर इज एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इफ आई बेसिकली स्टार्ट डिस्कसिंग द ऑप्शंस द क्लास विल बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लगभग आज 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। एक्चुअली मैं मॉर्निंग क्लास में हर एक पॉइंट को रिवाइज कराती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको फटाफट रिविजन करा रही हूँ। अच्छा, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट 34th एडिशन ऑफ सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अल्माटी कजाकिस्तान। तो पहले तो आप यही याद रख लीजिएगा कि सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई, अल्माटी कजाकिस्तान में हुई। कौन सा एडिशन हुआ, 34th। भारत किस पोजीशन पर था, थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पर कौन था, देखिए फर्स्ट पर दो टीमें थी, ईरान और कजाकिस्तान, दोनों के नंबर ऑफ मेडल्स एग्जैक्टली सेम थे, और थर्ड पर था इंडिया। इंडिया के टोटल 14 मेडल्स थे जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। गोल्ड मेडलिस्ट रवि दहिया, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और दिव्या काकरन।
ठीक है, ईरान और कजाकिस्तान दोनों के ही मेडल सेम थे गाइज, मैं आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम विनय, चलो आ जाओ अगला सवाल। अब देखिए फुटबॉल के जितने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं ना उनको मैंने एक साथ समअप किया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, बाकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी। कोपा डेल रे 2021 किसने जीता था? प्रीति बहुत पिटाई होगी, ठीक है, 100 नहीं पहुंचेगा, डोंट वरी, मैं 100 आप लोग के लिए क्वेश्चंस नहीं पहुंचाऊंगी, ठीक है। कोपा डेल रे 2021 को किसने जीता था? ये जीता था बार्सिलोना ने। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से टूर्नामेंट हैं। लीग कप, लीग कप जीता था मैनचेस्टर सिटी ने, और मैनचेस्टर सिटी ने ही ईपीएल भी जीता था, इंग्लिश प्रीमियर लीग। एफए कप जीता था लेस्टर सिटी ने। चैंपियन लीग विमेन कैटेगरी का जीता था बार्सिलोना ने, और मेंस कैटेगरी का जीता था चेल्सी ने। कोपा अमेरिका कप 28 सालों बाद अर्जेंटीना ने जीता है। यूरोपियन चैंपियनशिप इटली ने जीती है, और ला लीगा टाइटल एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। ये पूरे टूर्नामेंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। बहुत पिटाई होगी जितने क्लास छोड़कर जाएंगे, चलो जिसके आंसर नहीं दिखेंगे मुझे उसकी पिटाई होने वाली है। बार्सिलोना मेसी वाली टीम है, यस, ठीक है। अच्छा 68 इंडियन ग्रैंड मास्टर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किस स्टेट से आते हैं जरा मुझे ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो 68 भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन कल्याण, और अर्जुन कल्याण जो हैं ये तमिलनाडु स्टेट से आते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार स्टेट पूछ लिया जाता है, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, इसकी भी मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, ये लिस्ट आप रिवाइज कर लेंगे। एमिलिया रोमागना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? ओके, एमिलिया रोमागना F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? ये स्टार्टिंग में हुआ था, आपको पता ही है, और इसको जीता था मैक्स वेटस्पन ने। रॉक, डोंट वरी, मैं आपको सब बता दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग को सारी न्यूज मिलेगी। मैक्स वेटस्पन करेक्ट आंसर है। अच्छा पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, इसके बाद अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है। अजरबैजान सर्जियो पेरेज, फ्रेंच मैक्स वेटस्पन, इस्टेरियन मैक्स वेटस्पन, ऑस्ट्रियन बेसिकली मैक्स वेटस्पन, मोनाको। तो ये लिस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, मैं यहाँ आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है, ओके। अगला सवाल, अब कुछ सवाल हम टेनिस से लगातार देखेंगे क्योंकि टेनिस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ओके। बहुत पिटाई होने वाली है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 टेनिस टाइटल, मोंटे कार्लो मास्टर 2021 टेनिस का खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? क्या हो गया संजू? चलो सबसे पहले यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है स्टेफनोस, स्टेफनोस मोंटे कार्लो मास्टर्स, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आइए जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, यहां आपको एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था गाइस? इसको जीता था किसने? इसको जीता था कैस्पर रूड ने। किसने जीता था? कैस्पर रूड ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अ बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल, कौन सा? बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल, इसको किसने जीता था? क्या बात कर रहे हैं? बार्सिलोना, बार्सिलोना जीता था राफेल नडाल ने, ठीक है, राफेल नडाल ने, ओके। उसके बाद एक बहुत बड़े टूर्नामेंट की हम बात करने वाले हैं और वो है फ्रेंच ओपन 2021।
फ्रेंच ओपन 2021 का मेन सिंगल किसने जीता था? मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, बाकी लिस्ट दूंगी, आप रिवाइज करेंगे। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता था? ठीक है, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता, इस साल के सारे ही जीत लिए हैं हमारे नोवाक जोकोविच अंकल ने, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेन सिंगल और विमेन सिंगल में आपको विनर और रनर अप दोनों याद रखना है, बाकी की कैटेगरीज में आपको मेन सिंगल, विमेन सिंगल और मिक्स का सिर्फ विनर याद रखने हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो। ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल, ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल किसने जीता था? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल किसने जीता था? ठीक है, देखिए नियोमी ओसाका जो थी उन्होंने इस साल सिर्फ एक ही ग्रैंड स्लैम खेला है और वो है, और उसकी वो विनर है, यानी नियोमी ओसाका। ठीक है, यहां मैं आपको लिस्ट दे रही हूं, आपको पता है मेन सिंगल नोवाक जोकोविच नहीं जीता था, विमेन सिंगल नियोमी ओसाका ने जीता है। इस लिस्ट को भी आपको याद कर लेना है, टेनिस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, विमेन सिंगल टाइटल विमल्डन 2021, विमल्डन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, और विमेन सिंगल टाइटल विमल्डन जीता है एशली बार्टे ने, किसने जीता है? एशली बार्टे ने। ठीक है, तो यहां देखिए मेन सिंगल तो अभी तक का सब किसने जीत लिया है, तीनों ही टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, बाकी आपको विमेन सिंगल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेन मेहनत करनी पड़ेगी रनर अप याद करने में। मैं वापस से बता रही हूँ, रनर अप एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी आपसे वापस से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा मेन और विमेन सिंगल में रनर अप याद करने के लिए बोलती हूँ गाइस। ठीक है, चलो ओके। विच इंडो अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विमल्डन? विमल्डन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? ठीक है, और इनका नाम क्या है गाइस? इनका नाम है यस समीर बनर्जी। क्या नाम है? समीर बनर्जी। जितने क्लास छोड़कर गए हैं उनकी बहुत पिटाई होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कितने क्लास में है कितने क्लास में नहीं है। चलो, हु हैज वॉन द मेडन WTA टाइटल एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन द टॉप 100 आफ्टर सानिया मिर्जा? WTA टाइटल जीतकर ये टॉप 100 में सानिया मिर्जा के बाद पहुंचने वाली पहली भारतीय प्लेयर थी, और आपको मुझे इनका नाम बताना है। इस बार के ओलंपिक में सानिया मिर्जा और ये जो प्लेयर हैं ये इंडिया को विमेन डबल्स में रिप्रेजेंट भी करने वाली हैं। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज अंकिता रैना। ठीक है, अंकिता रैना जितने क्लास में है ना, मैं आज उनको पर्सनल जब PDF दूंगी, बाकियों को आज मैं PDF नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, आ जाओ। Who among the following has won the Mutua Madrid Open title 2021 by beating Matteo Berrettini? सिंपल सा सवाल है, Mutua Madrid Open किसने जीता था? ठीक है, किसने जीता था? ओके, ये जीता था अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने जो टूर्नामेंट जीता था वो था मैड्रिड ओपन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विमेन सिंगल किसने जीता था? इसी टूर्नामेंट का विमेन सिंगल जीता था आर्याना सबलेंका ने। ओके, चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता गाइस? इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता? इटालियन ओपन टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? किसने जीता इटालियन ओपन? और इटालियन ओपन जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है,
गाइस देखिए, मैं आपको टेनिस के सारे टूर्नामेंट एक साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टेनिस के टूर्नामेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का विमेन जीता है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड से आती हैं। सिंपल सा सवाल, बेलग्रेड ओपन जो है इसको नोवाक जोकोविच ने जीता था और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? बेलग्रेड ओपन जो था ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। एग्जाम में ये आने के चांसेस ज्यादा हैं कि बेलग्रेड ओपन किसने जीता है। बेलग्रेड ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? और इन्होंने फाइनल में हराया था एलेक्स मॉलकन को। ठीक है, अच्छा, यहां हमारा जो टेनिस के टूर्नामेंट है ना गाइस, वो खत्म होते हैं। अब चलिए अपने आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इंडिया बैग्स हाउ मैनी मेडल्स एट 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? ये टूर्नामेंट कहां हुआ, जरा फटाफट मुझे बता दीजिए। थैंक यू। ओके चलो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, 11 मेडल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इंडिया ने 8 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीता था। ये टूर्नामेंट हुआ था कियल से पोलैंड में। ठीक है, याद रहेगा गाइस, वेन्यू भी याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में वेन्यू पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको वेन्यू की लिस्ट भी दे दी है साथ में। चल, द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड यानी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? कौन सा देश होस्ट करने वाला है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देश आई गेस पहली बार होस्ट करने वाला है। और ये देश कौन सा है? ये देश है यूएसए। यूएसए वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को पहली बार होस्ट करेगा, याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अभी हुआ, इसके विनर कौन है? ठीक है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ये शेफील्ड यूके में हुआ और इसके विनर कौन है और ये किस कंट्री से आते हैं गाइस? इनका जरा मुझे फटाफट देश भी बता दीजिएगा। ओके चलो फटाफट बताओ। देखिए गाइस, बढ़िया, शानदार, नाम तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये है मार्क सेल्बी। ठीक है, मार्क सेल्बी जो हैं वो इस बार के विनर हैं किसके? स्नूकर, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के। ये किस देश से आते हैं? ठीक है, यूके। ठीक है, जहां टूर्नामेंट हुआ वहीं से आते हैं। ओके डन, यूके इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा भैया, कई बार आपसे क्रिकेट में रैंकिंग पूछी जाती है, अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन ओडीआई में भारतीय क्रिकेट टीम की रैंकिंग क्या है? बट आपको एग्जाम से पहले अगर रैंकिंग में कोई चेंज होता है तो वो याद करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई में इंडियन टीम की रैंकिंग क्या है। अभी हमारी इंडियन टीम ओडीआई में चौथे पोजिशन पर है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ओडीआई में टॉप पर है न्यूजीलैंड, हम हैं फोर्थ पर। टेस्ट में टॉप पर है न्यूजीलैंड, हम हैं सेकंड पर। टी20 में टॉप पर है इंग्लैंड और हम हैं सेकंड पर। ठीक है, यानी टेस्ट और टी20 में हम सेकंड पर हैं, ओडीआई में हम फोर्थ पर हैं। विमेन टीम की बात करें तो टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में, और विमेन टीम में भी हम चौथी पोजिशन पर हैं। वही टी20 में यहां भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और हम हैं थर्ड पोजीशन पर। क्या हो गया शिवम? ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्टली चांसेस यही है कि अभी चेंज नहीं होगा, बट स्टिल हार भी तो गए हम। हारे हैं तभी तो नीचे आ गए हैं। विमेन में नाइन्थ में हम किस टूर्नामेंट में हैं युक्ति, वो हम देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। Who among the following has been appointed as the ambassador for International Olympic Committee Believe in Sports campaign? Believe in Sports यानी खेल में विश्वास अभियान के राजदूत के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया? ठीक है, फटाफट बताइए। अच्छा जी, यहाँ दो लोगों को अपॉइंट किया गया था, एक तो है हमारी पीवी सिंधु और एक है माइकल ली, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अच्छा,
कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। देखिए मेन तो आपको पता ही है रवि शास्त्री साहब, विमेन में कौन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, विमेन में अपॉइंट किए गए हैं रमेश पवार, आपको पता ही है, ठीक है, डन। विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप महिला रग्बी विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ये देश महिला टूर्नामेंट के कई सारी चीजों को होस्ट कर रहा है गाइस, थोड़ा तेज बोलू, इससे भी तेज। विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022 की जो होस्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड गाइस। मैंने जैसा कि आपको बताया कि न्यूजीलैंड काफी सारे टूर्नामेंट्स को होस्ट कर रही है एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। आपको पता भी होगा न्यूजीलैंड में रग्बी स्पोर्ट काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA टाइटल, MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन है। वैसे ये कनाडा से आते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है, सिर्फ भारतीय मूल, इनका सिर्फ नाम भारतीय है, इनके एंसेस्टर भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं है, इनका जन्म भी भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज अर्जुन भल्लर। अर्जुन भल्लर जिन्होंने कनाडा को कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये MMA प्लेयर हैं और अभी इन्होंने MMA टाइटल जीता है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट। चलो फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कौन सा देश होस्ट करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि देश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा देश है गाइस, एंड द कंट्री इज इंडिया, भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप का होस्ट नेशन है इंडिया। क्या हुआ था? ओके, हु हैज बैग्ड द सिल्वर मेडल इन मेन 73 kg कैटेगरी ऑफ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021, जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 के पुरुषों के 73 kg वर्ग में रजत पदक इनमें से किसने जीता था, ठीक है, यस। चलो यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है अंचिता शूली। कौन है? अंचिता शूली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following has won the gold in 75 kg category at Asian Boxing Championship 2021 in Dubai? तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि Asian Boxing Championship यानी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है, ये दुबई में हुई है। इसमें 75 kg कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता था, ये जीता था पूजा रानी ने। अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में हुई, पहली पोजीशन पर था कजाकिस्तान जिसके 16 मेडल थे, इंडिया के टोटल 15 मेडल थे लेकिन गोल्ड थे हमारे 2 और हम थे 4th पोजीशन पे, एक गोल्ड संजीत कुमार ने जीता और एक गोल्ड पूजा रानी ने जीता, ठीक। तो ये याद कर लीजिएगा, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस टीम इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग, यानी यहां मैं सवाल पूछ रही हूं हॉकी में मेंस टीम की रैंकिंग क्या है, साथ ही साथ विमेन टीम की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेंस टीम की रैंकिंग क्या है, ये है 4th। विमेन टीम की रैंकिंग अभी एक पोजीशन नीचे चली गई है और वो 10th पोजीशन पर है। तो चलिए एक बार 9th होगा, लेकिन एक्चुअली जब हमने पढ़ा था तब 9th था, बट अभी लेटेस्ट जो है वो 10th हो गई है,
ठीक है, मेंस टीम में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया आ गया है, बेल्जियम नीचे हो गया है, ठीक है, वहीं विमेन टीम में टॉप पर नेदरलैंड है, ठीक है, टेंथ हो गई है गाइस, ये पोजीशन पहले नाइन्थ हुआ करती थी, ये अभी टेंथ हो गई है, मैंने आपको लेटेस्ट बता दिया है और एग्जाम में आपको जो ऑप्शन दिख जाएगा उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023, 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी इनमें से किस कौन बन गया है, लेटेस्ट नाइन है, लेटेस्ट लाइन नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट, कल की जो रैंकिंग है वो टेंथ है। शुभम क्या सवाल है, कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, और यहां करेक्ट आंसर है भारत पे, भारत पे आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर है 2023 तक, ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बाई ओवरटेकिंग लियोनेल मेसी, मेसी को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे सबसे ज्यादा बेसिकली अभी जो एक्टिव हैं वो प्लेयर कौन बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देती हूं, एक्टिव और ओवरऑल दोनों ही कैटेगरी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो अभी इन्होंने इनके 109 गोल हैं और ये सबसे हाईएस्ट गोल करने वाले प्लेयर के बराबर हैं। यहां जो आंसर है वो है सुनील छेत्री। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, क्या हुआ था, पहले जो एक्टिव प्लेयर थे उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड नंबर पे थे, बट अभी यूरो कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 109 गोल कर दिए हैं और वो ओवरऑल आज तक के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर के बराबर हो गए हैं। जरा मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर कौन से हैं, ठीक है। ओके, चलो, नेम द रेसलर हु हैज क्लिंच गोल्ड मेडल इन 53 केजी कैटेगरी एट पोलैंड ओपन। पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, 100 से कम है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था जैसे ही 53 केजी कैटेगरी आपको दिखे आपको एक नाम स्ट्राइक करना चाहिए और वो नाम है विनेश फोगाट, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को एंड में देती हूँ कि गोल स्कोरर सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके हैं, ठीक है। अच्छा, विनो माकंद हैज बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम अहड ऑफ डब्ल्यूटीसी फाइनल ही वॉज। तो विनो माकंद जो हैं इनको अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, ये क्या थे, नाइन्टी नाइन भी कम तो होता है, राइट, बात तो सही है। कीर्ति मैम रियल वाली अगर इधर है तो फिर यहां मैं कौन हूं, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज बैट्समैन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि टोटल इस बार कितने प्लेयर इंडक्ट किए गए, तो इस साल 2021 में 10 प्लेयर को इंक्लूड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, उनमें से एक भारतीय जो है वो है विनू मार्कन। भारत से अभी तक टोटल प्लेयर जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में है वो है 7 और ओवरऑल 103 प्लेयर इसमें है, ठीक है। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कभी पेपर डिफिकल्ट बनाना हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम कंपीटिंग इन वेट लिफ्टिंग एट टोक्यो ओलंपिक ओवर पोस्ट डोपिंग केस। पोस्ट डोपिंग केस के कारण टोक्यो ओलंपिक में इनमें से किस देश को वेट लिफ्टिंग में बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, टोक्यो ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में ये देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये देश कौन सा है, ये देश है रोमानिया, ठीक। ओके, विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द इनॉग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण जो है वो किसने जीता है, आप सबको इसका आंसर पता है क्योंकि फाइनल में हम हारे हैं, तो कौन जीता है, ठीक है। और ये कौन जीता है, ये जीता है न्यूजीलैंड,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा रन किसके हैं? मानस लबुशेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? रविचंद्रन अश्विन। वेन्यू क्या था? रोज बोल साउथहैम्पटन। और प्लेयर ऑफ द मैच जेमिनसन साहब। ठीक है, तो ये भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, लॉरेन हबर्ड विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, बिलोंग टू विच कंट्री? लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर हैं, ये किस देश से संबंधित हैं और क्या कोई मुझे इनका स्पोर्ट्स बता सकता है? ठीक है, और ये जीता है किसने? ये जीता है न्यूजीलैंड ने, मतलब ये कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। और ये वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, ओके। हु हैज वॉन गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज थर्ड हेल्ड इन पेरिस? देखिए, जैसे कि शूटिंग होता है ना, अलग अलग फेज में वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही आर्चरी का जो वर्ल्ड कप होता है वो भी अलग अलग फेज में होता है। उसका एक फेज हुआ था पेरिस में, जिसे स्टेज थर्ड कहा गया। वहाँ 3 गोल्ड मेडल बैक टू बैक दीपिका कुमारी ने जीता और इसी के साथ ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गई हैं वापस से। ठीक, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसी टूर्नामेंट में मेंस इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता? कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता? ठीक है, सेम टूर्नामेंट में देखिए, जिसमें दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड जीता, उसी में एक मेंस गोल्ड किसने जीता है? और ये गोल्ड जीता है किसने? अभिषेक वर्मा ने। ध्यान रखिएगा, अभिषेक वर्मा ये आर्चर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि अभिषेक वर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये आर्चर हैं। अब देखिए, ओलंपिक्स में जो जो पहली बार हो रहे हैं ना, जो जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केरलास सज्जन प्रकाश हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। सज्जन प्रकाश जिन्होंने क्वालिफाई किया, आपको मुझे इनका स्पोर्ट्स बताना है। ये पहले थे क्वालिफाई करने वाले। यस, ठीक है, तो सज्जन प्रकाश की बात हम कर रहे हैं। सज्जन प्रकाश स्विमर, केरला राज्य से आते हैं, तो ये तैराक हैं, ये स्विमर हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विमेन में, हाँ, वो सवाल है इसलिए मैं अभी आपको यहां उनका नाम नहीं बता रही हूं, पर हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेम द इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। उस भारतीय मूल के अमेरिकी का नाम बताइए जो अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनकी जरा मुझे उम्र भी बता दीजिए। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं, ये करेक्ट आंसर हैं। ये 12 साल 4 महीने के हैं और इन्होंने इसको जीतने वाले सबसे यंगेस्ट हैं। ठीक है, 4 मंथ्स। ओके, डन। अभी 5 हो गए होंगे, उस वक्त 4 थे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री? अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा एक ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ 2 जगहों पर होस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, UAE और ओमान, ये दोनों ही होस्ट कर रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर UAE भी है और ओमान भी है। ओके, अच्छा, राही सरनोबत हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन डैश इन विमेन्स स्पोर्ट्स पिस्टल इन शूटिंग वर्ल्ड कप बींग हेड इन क्रोएशिया। अब मैंने अभी आपको बताया कि शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वो अलग अलग फेज में होता है। उसका एक फेज हुआ क्रोएशिया में, वहाँ राही सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता। राही सरनोबत जो हैं, ये किस कैटेगरी में खेलती हैं? ओलंपिक में इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये 25 मीटर्स में पिस्टल प्लेयर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर्स।
ठीक है, आ जाइए अगले सवाल की तरफ आते हैं. सुमित मलिक हैज रिसेंटली गॉट 2 year बैन फॉर डोपिंग, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. सुमित मलिक जिनको अभी बैन कर दिया गया है, आपको मुझे बताना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं. 2 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा है. कौन जा रहा है भाई, जब मैं यहां हूं तो आप कैसे जा सकते हैं. एंड ये रेसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है ठीक है, ओके चलिए. आकांक्षा कई सारी कैटेगरीज होती हैं. हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक. ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, पैरालंपिक्स, तीनों ही चीज आपको याद रखनी है. ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हैं बजरंग पुनिया, और पैरालंपिक में फ्लैग बियरर हैं एम थंगावेलू. ठीक, याद रखिएगा. 2022 एएफसी वीमेंस एशियन कप, 2022 एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा. अब देखिए, देश तो हम ही करने वाले हैं, शहर कौन सा करेगा. ठीक है, और ये शहर है मुंबई और पुणे. चलो ओके. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक इन 400 मीटर हर्डल. 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं. ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, करेक्ट आंसर क्या है गाइस. करेक्ट आंसर है एमपी जाबीर. कौन है? एमपी जाबीर. एक चीज और याद रखिएगा, केटी इरफान पहले एथलीट थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था. इसका आंसर करिए आप लोग मुझे. फर्स्ट वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक. टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक. भवानी देवी पिटाई कर दूंगी मैं. ठीक है, करेक्ट आंसर है मन्ना पटेल. मैं तैराक पूछ रही हूं, आप लोग मुझे फेंसर बता रहे हैं. चलो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ऑलराउंडर महमूद रियाद हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. चलो अच्छा गाइस, मैं आपको जितने रिटायरमेंट वाले हैं उनकी भी लिस्ट देने वाली हूँ, वो आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, करेक्ट आंसर है बांग्लादेश. अब यहाँ देख लीजिए, इतने प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है. अशोक डिंडा, विनय कुमार, उपुल थरंगा, फाफ डुप्लेसी, थिसारा परेरा, नमन ओझा, धमिका प्रसाद, यूसुफ पठान, बीजे वेटलिंग और केविन ओब्रायन. इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. कुछ इंडिया से हैं, कुछ श्रीलंका से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, आयरलैंड से हैं, न्यूजीलैंड से हैं. ठीक है, आ जाओ अगला सवाल. हु इज द कंपोजर ऑफ टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग. टोक्यो ओलंपिक का ऑफिशियल सॉन्ग और चीयर सॉन्ग अलग अलग है. चीयर सॉन्ग के कंपोजर कौन है, इनकी सिंगर कौन है, दोनों मुझे बता दीजिए. और साथ ही साथ ऑफिशियल सॉन्ग के कंपोजर और सिंगर कौन है, वो भी मुझे बता दीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे के जो कंपोजर हैं वो हैं एआर रहमान साहब. ठीक है, और वहीं अगर मैं अच्छा अगर मैं बात करूं सिंगर की, अनन्या बिरला एब्सोल्युटली करेक्ट है. ऑफिशियल सॉन्ग के कंपोजर और सिंगर दोनों ही मोहित चौहान हैं. ठीक है, चलो याद रहेगा. यहां सिंगर, इस केस में सिंगर है अनन्या बिरला और ऑफिशियल सॉन्ग मोहित चौहान. हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन फॉर ऑफ ओलंपिक गेम्स. अब यहां ध्यान से देखिएगा, एक शूटिंग के लिए हुए हैं, एक जिमनास्ट के लिए हुए हैं, एक वेट लिफ्टिंग के लिए हुए हैं. जिमनास्ट प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन चुने गए हैं. ठीक है,
मोहित चौहान, अनुराग जो ऑफिशियल अनुसागर जो ऑफिशियल गाना है ना, उसके सिंगर और कंपोजर दोनों हैं। दिव्या मैं आपका बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ करेक्ट आंसर देखिए दीपक काबरा, ठीक है। मैंने आपका कमेंट भी पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लिया। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? दीपक काबरा, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली क्रिस गेल हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मैनी रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले क्रिस गेल पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज 14,000। विच कंट्री विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। अब क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है इसलिए इसको याद कर लीजिए। यूरो 2020 गोल्डन बूट, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसको मिला है? वही कोपा अमेरिका में जो गोल्डन बूट है वो गया है लियोनेल मेसी को, ठीक है। यूरो 2020 गोल्डन बूट गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 2019 में भारत ने किया है, यस एब्सोल्युटली प्रीति, ठीक है। ज्यूरर फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स, ज्यूरर फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स ये सेलेक्ट हुए हैं शूटिंग के लिए गाइस। ज्यूरर फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स, नाम है इनका पवन सिंह। आ जाइए अगला सवाल। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2021, ये सवाल मेरा आपसे मेंस कैटेगरी के लिए है। क्या बोला मैंने? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून। अब आपको स्टार्टिंग का जनवरी से लेकर जून तक का पूरा रिवाइज करना है। यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है डेवोन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। और यहां है कंप्लीट लिस्ट जो आपको लर्न कर लेनी है। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 10-15 क्वेश्चन और हैं। Which country has won the men's World Cup handball championship title 2021? विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? ठीक है, तो मेंस वर्ल्ड कप हैंडबॉल, हैंडबॉल में चैंपियन कौन बना है? हैंडबॉल में चैंपियन बना था डेनमार्क, ठीक है। ओके, इंडिया हैज गॉट होस्टिंग राइट टू, ये तो अभी हमने डिस्कस ही किया है, एएफसी विमेन्स फुटबॉल एशिया कप। तो एएफसी विमेन्स फुटबॉल एशिया कप जिसकी मेजबानी पुणे और मुंबई करने वाला है, ये किस साल होगा? ठीक है, ये 2022 में होगा। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। गाइस, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे दोनों याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी? ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी? तो देखिए, दो टूर्नामेंट हुए थे, सैयद मुश्ताक अली तमिलनाडु ने जीती थी, ठीक है। अभी इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और वो भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? आईपीएल 2021 जो संस्करण हुआ उसका शीर्ष प्रायोजक कौन था? ठीक है, तो आईपीएल 2021 का वापस से होस्ट वही बन गया था और वो कौन है? वीवो, ठीक। सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? ड्रीम 11 2020 का था, यस। आपको पता ही है जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो है वो होस्ट कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ओके, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। Who has clinched women single title at 82nd Senior National Table Tennis Championship?
82nd वे सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि पंचकुला हरियाणा में हुआ था, इसका महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका पुरुष एकल यानी मेंस कैटेगरी में जी सत्यन इस बार के हमारे नेशनल चैंपियन थे। ठीक है, तो देखिए विमेन में एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है नाम मनिका बत्रा और इन्होंने ही जीता था। ठीक, ओके। विच कंट्रीज विमेन बॉक्सर टीम हैज फिनिश्ड ऑन टॉप इन एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन मोंटेग्रो? मोंटेग्रो में एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, किस देश की महिला मुक्केबाजों ने यहां टॉप पोजीशन पर रही? मनिका बत्रा प्लेयर भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी इस बार मनिका बत्रा से टेबल टेनिस में, और इंडिया के जो विमेन बॉक्सर थी ये टॉप पर थी गाइस। Who among the following has become the first ever Indian fencer to qualify for Olympics? पहली भारतीय महिला फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। यहां आंसर होगा भवानी देवी। ठीक है, यहां आंसर है गाइस भवानी देवी। भवानी देवी फेंसर हैं, तमिलनाडु राज्य से आती हैं। बहुत बार मैंने आपको रिवाइज कराया है, एग्जाम में गलत नहीं करके आइएगा। चलो ओके, विमेंस 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल इन एफए सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, अब यहां आपको मुझे यह बताना है विमेंस 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल किसने जीता था। यह एक बड़ा नाम बना था क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत बड़े नामों को हराकर यहां रिकॉर्ड बनाया था। फेंसर, हाँ, तलवार टाइप का होता है, एक पतली सी नोक सी होती है जिसको तलवार की तरह ही लड़ते हैं। ओके दिव्यांशु, बिल्कुल ठीक है, यहां करेक्ट आंसर है एस धनलक्ष्मी। एस धनलक्ष्मी ये बहुत न्यूज में रही हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने दूती चंद जो नेशनल रिकॉर्डर हैं इन सबको हरा कर इसको जीता था। ठीक है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट प्लेयर टू स्कोर 770 गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री? फुटबॉल हिस्ट्री में 770 गोल करने वाले प्लेयर कौन से बन गए हैं? Yes. और यहां करेक्ट आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो साहब, जब गोल की बात आए तो आप रोनाल्डो को याद कर लीजिए। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 7000 रन इन ओडीआई, 10000 रन इंटरनेशनल स्कोर करने वाली और ओवरऑल सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली? सब यही बन गई हैं। जब भी रन बनाने की बात आए तो विमेन क्रिकेट में हर एक रिकॉर्ड इनके नाम पर है, और ये हैं मिताली राज, वन ऑफ माई फेवरेट। ओके चलिए, 69th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन? 69th राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां हुआ? ठीक है, 69th वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां हुआ गाइस? ठीक है, वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेंस कैटेगरी विनर हरियाणा, विमेंस कैटेगरी विनर केरला, और टूर्नामेंट हुआ भुवनेश्वर में। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। यस, मैंने आपसे बोला था सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे दोनों ही याद रखिएगा, यहां से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इस बार रणजी नहीं हुआ है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता था? ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का फाइनल किसने जीता था? इन्होंने फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराया था, कैप्टन थे पृथ्वी शॉ और करेक्ट आंसर है मुंबई, मुंबई ने जीता था। ठीक है, यस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द कॉस्टलियस्ट एवर प्लेयर एट आईपीएल 2021 ऑक्शन फॉर राजस्थान रॉयल्स? राजस्थान रॉयल्स ने सबसे महंगा आज तक का प्लेयर आईपीएल का खरीदा है, किसको खरीदा था, कितने में खरीदा था? सबको पता है, करेक्ट आंसर है क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका से आते हैं, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदे गए थे, अब तक के सबसे महंगे प्लेयर। एक बार इनका अमाउंट देख लीजिएगा, एग्जैक्टली अमाउंट मुझे भी नहीं याद है, आई गेस 16.2 या 16.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था, 16 पॉइंट समथिंग में खरीदा गया है। ठीक है,
एग्जैक्ट अमाउंट गाइस देख लीजिएगा, मुझे भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है। ओडिशा सीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इन विच कंट्री विच डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा के सीएम यानी नवीन पटनायक साहब द्वारा किस जिले में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। यहां मैंने आपसे जिला पूछ लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या क्या ऑप्शन आ सकता है। राउरकेला के सुंदरगढ़ में, अगर राउरकेला ऑप्शन दिया गया तो राउरकेला होगा, सुंदरगढ़ ऑप्शन दिया गया सुंदरगढ़ होगा, और नाम आपको पता ही है बिरसा मुंडा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। भैया श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की हालत बहुत खराब है, श्रीलंकन क्रिकेट की हालत बहुत खराब है, और इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं शामी शिल्वा, ठीक है। शामी शिल्वा इज द करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ गलती मत करिएगा, इसको थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को वापस से ऐड इसलिए किया है कि अगर मैं आपसे पूछूं यूरोपियन गोल्डन बूट किसने जीता, मैंने ये नहीं पूछा कि यूरो चैंपियनशिप गोल्ड किसने जीता, गोल्ड बूट किसने जीता है, मैंने आपसे पूछा है यूरोपियन गोल्ड बूट किसने जीता है। अब इसका आंसर थोड़ा सा सोच कर करिएगा। यूरोपियन गोल्डन बूट जो है वो जो भी पूरे यूरोप के टूर्नामेंट होते हैं ना उनके लिए दिया जाता है, और यूरो चैंपियनशिप का जो गोल्डन बूट है वो अभी जो यूरो कप हुआ है उसके लिए दिया गया है। एंड यहाँ करेक्ट आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। किसने? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या ये डिफरेंस याद रहेगा? रॉबर्ट लेवेंडोस्की पोलैंड से आते हैं और ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। ये आई गेस आज का आखिरी सवाल है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनमें से किसके नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, और ये रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। किसके नाम पर? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। ये आखिरी क्वेश्चन था आज के सेशन में। मैंने आपको जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स पढ़ाए हैं ना उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार मैं उसे रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा, आपको आंसर नहीं करना है। प्रेसिडेंट ऑफ ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 यानी डबल सेंचुरी इन 100 टेस्ट, जो रूट इंग्लैंड के कैप्टन। थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट। तीसरे भारतीय पेसर जिन्होंने 300 टेस्ट क्रिकेट लिया, ईशान शर्मा। असम गवर्नमेंट में DSP की पोस्ट पर अपॉइंट की गई हैं हिमा दास, ठीक है। उसके बाद थर्ड मैन टू हिट 6 sixes इन एन ओवर। देखिए मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ ODI और T20 दोनों में। T20 में जो 6 छक्के आज तक मारे हैं वो मारे हैं युवराज सिंह ने, ODI में मारे हैं हर्षल गिब्स ने, और तीसरे प्लेयर अभी T20 में किरण पोलार्ड ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मारा है, ठीक है। प्रदीप मैं बिल्कुल ओके। उसके बाद BWF स्विस ओपन PV सिंधु सिल्वर मेडलिस्ट, विमेन सिंगल कैरोलिना मरीन और मेन सिंगल विक्टर एलेक्सन, ठीक। ये आकांक्षा ये कहना चाहता है कि इनका 100th टेस्ट मैच जो था ना उसमें डबल सेंचुरी मारने वाले ये दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं, ठीक है। यानी अपना 100 टेस्ट मैच इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ही खेला था, चेन्नई में खेला था, और वहां इन्होंने 200 रन मारे थे यानी 200 रन स्कोर किए थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन मिताली राज। फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3,000 रन इन मेन्स T20 में 3,000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर विराट कोहली, ठीक है। फर्स्ट अफगानिस्तानी प्लेयर टू स्कोर 200 इन टेस्ट।
पहले अफगानिस्तानी प्लेयर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 रन बनाए, ये हैं हस्मतुल्ला शहीदी। खेलो इंडिया स्कीम्स को 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी होने वाला है उसमें योगासन को ऐड किया गया है। साउथ एशियन वुशू ट्रॉफी जीती है अनियन मिथुन ने। फीफा ने पाकिस्तान और चड फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश किया गया है श्रीनगर में किरण रिजिजू के द्वारा। उसके बाद चेकमेट कोविड नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया है जो हमारा चेस फेडरेशन है उसके द्वारा। हाई जंप टाइटल को जीता है अभी यूएस में तेजस्वनी शंकर ने। रेसलिंग में इंडिया के रेफरी टोक्यो ओलंपिक में बने हैं अशोक कुमार। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा, ये होगा ओमान में। वीरेंद्र सहवाग के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्रिकरू, ठीक है। एक चेस का टूर्नामेंट हुआ था गर्लफ्रेंड चैलेंज, इसको डी गुकेश ने जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष टीम के कैप्टन हैं रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह। ये था अपना कंप्लीट सेशन। एक दो पॉइंट और हैं, ये आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अंशुला राव को अभी बैन किया गया है, ये पहली विमेन क्रिकेटर हैं जिनको डोप पे बैन किया गया है। शेफाली वर्मा यंगेस्ट इंडियन किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली। मिताली राज हाईएस्ट रन गेटर, और जयपुर में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। ओके तो गाइस देखिए, स्पोर्ट्स आपको पता है बहुत खबरें होती हैं स्पोर्ट्स न्यूज में, और यहां से सवाल आता है। अब मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करा दिए हैं। अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। इससे ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिव्या यस, क्या है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल पूछिए। शेफाली वर्मा का मैंने बताया ना, शेफाली वर्मा टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। यस दिव्या, बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आता है, कम आता है पर आता है। चल अच्छा भैया, कल है सैटरडे, कल हमारी वीकली रिवीजन क्लास होती है, तो करंट अफेयर्स रिवीजन वाली क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास होती नहीं है। तो अगली क्लास कब है? अगली क्लास है रिवीजन वाली मंडे को, और टॉपिक है दो बहुत ही खतरनाक, एक है डिफेंस और एक है रैंकिंग एंड इंडेक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, 26 जुलाई का जो सेशन होगा वो होगा डिफेंस और रैंकिंग इंडेक्स का, जो दोनों ही खतरनाक टॉपिक है। डिफेंस तो फिर भी चलता है, रैंकिंग इंडेक्स में दिमाग घूमता है। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को यहीं रैप अप किया जाता है। रिवाइज करिएगा गाइस, काफ़ी सारी न्यूज़ है मुझे पता है, पर एक बात समझिए, आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में 100 क्वेश्चन तो मानकर चलिए ना कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। कल सोने वाला टाइम नहीं, परसों है, ठीक है। ओके, क्या बोला मैंने आपसे, मैंने आपसे बोला गाइस 6 महीने में आपको 100 क्वेश्चन तो मिलेंगे, मैं तो फिर भी आप लोग को 100 से थोड़ा सा ऊपर रोक देती हूँ ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे अरे कि 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ सेशन को यहीं रैप अप किया जाता है, कल मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में और 11 बजे अपनी वीकली रिवीजन की क्लास में, ठीक है। एक बात और समझिए कि क्योंकि आपकी एग्जाम्स अगस्त में हैं,
ठीक है, तो आप ये जो वीकली क्लास है ना उसको मिस नहीं करिएगा, आपको जुलाई के करंट अफेयर्स तो पूरे कवर करने हैं जिनके भी एग्जाम्स अगस्त में हैं। ओके चलो, तो इसी के साथ सेशन को यहीं रैप अप किया जाता है। सेशन पसंद आया हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। क्लास को गाइस पूरा अटेंड करिए, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास को अच्छे से फॉलो किया है तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। प्रीति आपका एग्जाम कब है, ये आंसर बोर्ड देगा। ठीक है चलो, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।